हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मेरे सब खैरियत से होंगे। आज हफ्ता है और आज हमें छुट्टी है, और आज मम्मा ने घर में आलू और रोटियां बनाई हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाई जाए, और मैं भी दोनों इकट्ठे खा रहे हैं। देखते हैं, ये देखो जरा, मैं आपको रोटी दिखाता हूँ। ये अभी तक मैंने खाई नहीं है, इसने खा लिया। बता कैसा टेस्ट है इसका? मजेदार 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 मैं एक मिनट, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ इसका। टेस्ट करते हैं यार, कैसी रोटी बनी है। मजेदार, सही कहा था यार तूने। तुझे तो खाने, इसको वैसे खाने का कुछ पता नहीं है, बुंगिया मारते, लेकिन रोटी बहुत मजे की बनी है। सबके काम का दिन है, और सारे घर में मिलकर काम करते हैं अगले दिन। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में तो आपको अपना काम खुद ही नहीं करना पड़ता, ये यूरोप में आपको मिलता ही है काम करने के लिए। तो अब अगले दिन भी सारे काम अपना खुद ही करेंगे। अभी तुमने कैमरा पकड़ा मैंने, वो भी इतना काम कर लेगा, बताया जरा क्या करना तूने। अभी मैं डस्टिंग करने लगा हूँ। डस्टिंग का क्या काम है, 15-20 मिनट में तो डस्टिंग हो जाती है। डस्टिंग में मुझे कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो इसको होनी चाहिए जो वैक्यूम का घंटा लगाएगा। और ये देखो, ये मेरा एक चमुना भाई। हाँ भाई, कैसा है? मैं ठीक। तूने ऐसी फाइल डस्टिंग करनी है 15-20 मिनट का, तो मैंने कि 13 मिनट काम करना, मैंने चुपेर मारनी है, ये सारा काम मेरे से ले ले। मैं कह रहा हूँ घंटे का काम है मेरा, 15 मिनट का काम है। यार ये देखो यार, ठंड कितनी लग रही है, ठंड बड़ी लग रही है। वापस चलिए यार, ठंड बहुत ज्यादा यार, बड़ी ठंड यार, मेरी कसम में बहुत ठंड लगती है यार। ये फिर से कह रहे हैं कि आग लग गई है, तीसरी बार इन्होंने ना बाहर बुला लिया, आग कोई नहीं लगी। और यहाँ पर तो फायर ब्रिगेड आ गई है, ये तो काम खराब हो गया, वाकई अंदर आग लग गई है लगता है। सब लोग वो खड़े हुए हैं, ये देखें अंदर लगता है आग लग गई आज काफी। तो यार हम लोग मजाक समझ रहे थे, ये तो सीरियस में आग लग गई है अंदर, आज आग लग गई है, पुलिस भी आ गई है और साथ में भी आ गई है। अंदर लगता है काफी आग लगी है इसकी वजह से। अभी तो ये एक साइड है, बाकी चार साइड जो है ना स्कूल की कॉलेज की सांप है वहां पर है। तो यार अभी बहुत ज्यादा, तकरीबन 5 किलोमीटर में चल बैठा हूँ। एक्चुअली मैं बस का, आज काफी बारिश हुई है, तो बस का जरा ना बसेस वगैरह कम ही आ रही हैं, तो अब हमें जाना पड़ रहा है बस के मेन स्टॉप पर जहाँ पर सारी बसेस खड़ी होती हैं। अभी वहाँ पर जाने हैं, मेरे स्कूल से, मेरे कॉलेज से वो बस की जो स्टॉप है वो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, और तब से चलते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा चलो रास्ते में थोड़ा सा व्लॉग कर लें और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जनाब ये देखो जी, कमाल है यार, ये देखो ये एस्पिरेंट की खूबसूरती। कमेंट करके बताएं कैसे लगी ये जगह जो मैंने अभी आपको दिखाया। वो इनकी एक यूनिवर्सिटी है बड़ी सी, एक जो बिल्डिंग मैंने आपको अभी दिखाई है वो देखने से छोटी है, बट वो बहुत फैली हुई है इनके पीछे को काफ़ी। और वो उनकी एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है फोर्क एक यूनिवर्सिटी। इसी तरह मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिएगा जरा। यह है बिल्डिंग स्विमिंग की, यहाँ पर स्विमिंग होती है। यस, यहाँ पर जितने स्विमिंग सीखनी हो यहाँ पर आता है स्विमिंग सीखने के लिए। ये देखें कितने सारे यहाँ पर आते हैं लेसन्स लेने के लिए स्विमिंग के, स्कूल वाले, यूनिवर्सिटी वाले या फिर कॉलेज वाले, उनके लेसन होते हैं स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में। तो मैं जब कॉलेज में हूँ, मेरे भी यहाँ पर लेसन हुए हैं पिछले साल, तो मैंने यहाँ से सीखा है सब कुछ, स्विमिंग मैंने यहाँ से सीखी हुई है। तो गाइस ये है वो जगह जहाँ पर सब बसें इकट्ठे आती हैं, ये है सब बसें यहाँ पर आके इकट्ठी होती हैं, मतलब कि ये उनका मेन पॉइंट है। यार एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है यार, यहाँ पर बहुत ठंड है,
इस वक्त टेम्परेचर 2 डिग्री है और आपको दिखाता हूँ ये पेड़ों पे से पत्ते जो हैं, दरख्तों पे से पत्ते वो भी झड़ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दरख्तों में से पत्ते भी झड़ना शुरू हो गए हैं। 1 महीने बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों को तो बर्फबारी बहुत पसंद है, पाकिस्तान वालों को सारे कहते हैं बर्फबारी। हम लोग यहाँ पर बर्फबारी से उकताए पड़े हुए हैं, हमें गर्मियाँ चाहिए यहाँ पर। और ठंड में तो एक गाना याद आ रहा है, वो अनु मलिक दी लेजेंड का क्या गाना था ना, एक गर्म चाय की प्याली हो कोई उसको, कोई उसको नहीं। तो इतनी ठंड है, गर्म चाय की प्याली याद आ रही है, साथ में पकौड़े, क्या बात है। अभी मम्मा से जाके कहते हैं मुझे वो बना के दें। बाकी आपको ग्राउंड दिखाते हैं, ये देखें जरा, ये है आर्टिफिशियल ग्रास फुटबॉल ग्राउंड। ये आर्टिफिशियल ग्रास का है, इसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रास है, ओरिजिनल ग्रास नहीं है, यानी कि नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है ग्रास और ये मैन मेड ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ज़्यादातर आर्टिफिशियल ग्राउंड बनाए हुए हैं, जो कि जिसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आज का व्लॉग सिंपल था बिल्कुल, कुछ उसके अंदर कोई कॉमेडी वगैरह नहीं थी आज, सिर्फ सिंपल एक आपको कुछ थोड़ा सा बताया है कि इस तरह का है थोड़ा सा माहौल यहाँ पर स्वीडन का, और आपको आगे भी बताते रहेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग चैलेंजिंग व्लॉग है एक, जिसमें मैं और मेरा भाई दोनों चैलेंज करेंगे एक दूसरे को, और वो मे भी फीफा का भी हो सकता है, फीफा फुटबॉल या फिर क्रिकेट का हो सकता है, लेकिन होगी एक्सबॉक्स पे ही। और उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हमने दूसरे को डेयर क्या देना है, वो बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है, तो आप ज़रूर वो देखिएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।